जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लिक्विड हाइड्रोजन से चलने वाली नौका किस देश में शुरू हुई है? तो इसका शुरुआत हुआ नॉर्वे में। नॉर्वे ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना है जिसने हाइड्रोजन ईंधन का प्रयोग करके इस नौका को चलाया है। इसको बनाया किस कंपनी ने? तो इसको बनाया है नॉर्वे की ही कंपनी है, नॉरलेड करके इसने बनाया है। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, ग्रीन हाउस गैस, उसका उत्सर्जन जो होता है कम करने में इससे हेल्प मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है क्लीन एनर्जी फ्यूल है एक तरीके का। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है एमएफ हाइड्रा। इसका नाम है एमएफ हाइड्रा। ये बैटरी से भी चल सकता है और लिक्विड हाइड्रोजन से तो चलेगा ही। और इसको बनाया है नॉर्वेलैंड कंपनी ने, तो हमने जान ही लिया। हाइड्रोजन ईंधन की बात आई है तो ये भी जान लेते हैं। दुनिया का पहला हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला ट्रेन कहाँ पे चलाया गया पहला? तो ये जर्मनी में चला। अगर एशिया का पूछा जाए पहला कहाँ पे, तो एशिया का पहला चला चीन में। भारत यानी अपना देश कब ट्रेन चलाएगा हाइड्रोजन वाला? तो ये चलेगा 2023 दिसंबर में। और उस ट्रेन का क्या नाम है? तो उसका नाम है वंदे मेट्रो। तो इतनी बातें ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस जगह के बनारसी पान को GI टैग मिला है? तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में है बनारस, जिसे हम वाराणसी ने नाम से भी जानते हैं, उसी को मिला है बनारसी पान का GI टैग। हाल ही में ढेर सारे GI टैग मिले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य को ढेर सारे GI टैग दिए गए हैं, जो यहाँ नीचे लिखे हुए हैं। और भी जो हाल ही में GI टैग मिले हैं उसको भी देख लेते हैं। जैसे अभी मध्य प्रदेश के सुंदर राजा आम को GI टैग मिला था, ये मध्य प्रदेश के रीवा का है। और यहीं के मुरैना गजक को भी GI टैग मिला था अभी हाल ही में। गमोचा ये असम का है, इसको भी GI टैग मिला था हाल ही में। सफ़ेद प्याज ये कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र का है, इसको भी हाल ही में GI टैग मिला। और अभी हाल ही में यूरोपियन संघ द्वारा कांगड़ा चाय जो है हिमाचल प्रदेश का, इसको भी GI टैग दिया गया। और भारत की तरफ से कांगड़ा चाय को 2005 में ही GI टैग मिल चुका है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के कई चीज़ों को GI टैग मिला, जिसमें से कुछ आपके सामने है। जैसे बनारस का ही लंगड़ा आम को भी GI टैग मिला। रामनगर का भांता यानी बैगन की बात हो रही है, ब्रिंजल, उसको GI टैग मिला। मुजफ्फरनगर का गुड़ यानी भेली, इसको GI टैग मिला। इंग्लिश में से जैगरी बोलते हैं गुड़ को। प्रतापगढ़ के आंवला को GI टैग मिला। हाथरस की हींग को GI टैग मिला, ये सब यूपी के हैं। और बकरिया पीतल के बर्तन को भी GI टैग मिला। और अलीगढ़ के ताले को भी GI टैग मिला है। तो इन सब GI टैग को ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में क्रिस्टीना कोच नासा के किस मिशन के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी? तो यह नासा का मिशन है आर्टेमिस 2। नासा ने आर्टेमिस मिशन जो लॉन्च किया है उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है चांद पर मनुष्य को उतारना। इसके पहले नासा आर्टेमिस 1 मिशन जो लॉन्च कर चुका है, ये इसका सफल रहा है। और ये हाल कुछ दिन बाद ये आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च करने वाला है। आर्टेमिस मिशन 1 में क्या था? तो इसमें मनुष्य को, ये मानव रहित का मतलब ये हुआ कि इसको जब चांद पर भेजा गया तो इसमें मानव नहीं थे, तो ये इसका मिशन सफल रहा। दूसरा ये भेज रहा है जिसमें 4 मानव होंगे, जिसमें से 3 होंगे मेल और 1 होंगी फीमेल। इन 4 लोगों को चांद पे भेज रहा है। ध्यान रखें, ये चांद पे ये लोग लैंड नहीं करेंगे यानी उतरेंगे नहीं चांद पे, सिर्फ वहाँ का चक्कर लगा के आएंगे। जब नासा का ये तीसरा मिशन जो है आर्टेमिस 3, जब इसको लॉन्च करेगा ये, तो इसमें मनुष्य उतरेंगे जाके चांद पे। तो अभी 2 मिशन जो लॉन्च होने, मतलब पहला तो लॉन्च हो गया, दूसरा लॉन्च होने वाला है, तो इसमें मानो लैंड नहीं करेंगे। तीसरा मिशन जब लॉन्च होगा तब इसमें मानो चांद पे लैंड करेंगे। वो 4 लोग कौन जा रहे हैं? तो उसमें है क्रिस्टीना कोच, रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर और जेरेमी हैंसन। ये 4 लोग चांद पे जाएंगे। और अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले चांद पर कदम किसने रखा था, तो नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। ह्यूमन एंड वाइल्ड एनिमल संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये ब्रिटेन में आयोजित हुआ है। ब्रिटेन की बात आई है
तो अभी हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है ऋषि सुनक। उनका नाम है ऋषि सुनक, ये भारतीय मूल के हैं। और हमने कल पढ़ा था कि ट्रांस पैसिफिक भागीदारी में समझौते में शामिल होने वाला एक और नया देश कौन बना था, तो ये भी ब्रिटेन ही बना था, तो इसको भी ध्यान रखें। अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 4 अप्रैल को। इस बार इसका जो थीम रहा है वो क्या रहा है? तो माइन एक्शन कैन नॉट वेट, ये इसका थीम रहा है। 1 अप्रैल को हमने मनाया उत्कल दिवस, और RBI का यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस भी हमने मनाया। 2 अप्रैल को हमने विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया। हाल ही में मैड्रिड स्पेन मास्टर टूर्नामेंट में PB सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने सिल्वर पदक मेडल जीता हुआ है, क्योंकि ये फाइनल में हार गई। किससे हारी हैं? तो ग्रिगोरिया मिरिस्का से ये फाइनल में हार गई। फाइनल इन्होंने जीता ग्रिगोरिया मिरिस्का ने। और अगर ये पूछा जाए कि मेल में किसने जीता, तो मेल में जीता है निशी मातो ने जीता है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो स्पेन में हुआ, यहाँ पे गलत हो गया। इसका आयोजन हुआ है स्पेन में। और अगर ये पूछा जाए कि थॉमस कप और उबेर कप, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है बैडमिंटन से, इसको भी ध्यान रखें। विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की GDP को कितना अनुमानित किया है, यानी अनुमान लगाया है? तो 6.3% का अनुमान लगाया है। बात आई है वर्ल्ड बैंक की, तो अभी हाल ही में इसके नए अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम क्या था? अजय बंगा। वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन कब हुआ? तो इसका फॉर्मेशन हुआ 1944 में। किस समझौते के थ्रू? तो ब्रिटेन उड्स सम्मेलन के थ्रू इसका फॉर्मेशन हुआ था। मेंबर कंट्रियाँ इसमें प्रेजेंट टाइम में कितनी हैं? तो 189 है। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा अमेरिका के Washington DC में। हाल ही में रेडियो सांवरी का शुरुआत कहाँ पर हुआ है? तो इसका शुरुआत हुआ है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की बात आई है तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं बिश्वभूषण हरिचंदन, और राजधानी वहाँ की है रायपुर। और ये जो स्टेशन स्टार्ट हुआ FM स्टेशन है, यह एक डिजिटल रेडियो स्टेशन है। हाल ही में प्लास्टिक दो सोना लो योजना कहाँ पर शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ कश्मीर में। इसमें क्या होगा? अगर आप 20 क्विंटल कचरा देंगे तो आपको उसके बदले 1 क्वाइन मिलेगा, 1 क्वाइन गोल्ड का दिया जाएगा। हाल ही में कॉप इंडिया अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो यह भारत और अमेरिका के बीच आयोजित हुआ है, यह एयरफोर्स अभ्यास है। और हाल ही में वर्ल्ड ट्री सिटी 2022 का पुरस्कार भारत के किस शहर को मिला? जवाब देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। हम लोग करते हैं अब कुछ कल के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन। हाल ही में इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पर किया है? कर्नाटका में। और हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में कौन सा देश टॉप पर है? अमेरिका टॉप पर है, सेकंड पर है चाइना, थर्ड पर है रसिया। और हाल ही में स्कूल चलो अभियान फिर से कहां पर शुरू हुआ? उत्तर प्रदेश में। और पटना मेट्रो परियोजना के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा? तो जीका द्वारा। हाल ही में मियामी ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। और हाल ही में किस भारतीय ने माउंट किलिमंजारो को फतह किया है? तो अंजलि शर्मा ने किया है, ये हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। और हाल ही में ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौता में शामिल होने वाला देश कौन सा है? तो ब्रिटेन शामिल हुआ है। और ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। और सारा थॉमस का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? तो नोबेल उपन्यासकार थी वो। और किस कंपनी ने कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो अडानी ग्रुप ने। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपके डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें, मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।